हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अपनी देह की क्रियाओं को मारें। जैसा कि रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 उसकी 13 आयत में लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अगर तुम शरीर पर मन लगाओगे तो मरोगे। शरीर के काम यानी मूर्ति पूजा, व्यभिचार, पाप, गंदा देखना, ईर्ष्या और माता पिता की आज्ञा को ना मानना, ये सब शरीर के काम है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, ये परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है। और जो शरीर की दशा में है वो प्रभु को खुश नहीं कर सकता। आज पति पत्नी का रिश्ता अच्छी रीति से नहीं चल रहा क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा बसता है तो वो आपके पति पत्नी के रिश्ते को, माता पिता के रिश्ते को, आपसे रिश्ते को और सब आसपास की चीजों को वो जीवित कर देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, मैं जितने वायदे और प्रतिज्ञाएं तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे फायदे के लिए होगी। शरीर में मरने का मतलब है आपसी रिश्तों में मरना, व्यापार में मरना और आत्मा में मरना। अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर चुके हैं, पाप से दूर रहते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। मेरे प्रियो, जब आप अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को अलग होने के लिए कहा क्योंकि अब्राहम उस समय पूरी रीति से परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा था। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, ताकि वो शरीर में मरकर आत्मा के अनुसार चले। क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन है। अगर परमेश्वर ने आपको एक मकसद दिया है और वो तब ही पूरा हो सकता है जब आत्मा आपके कान में बात करता है, और वो शारीरिक कान नहीं बल्कि आत्मिक कान है। और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से बात करता है और वो आपसे प्रार्थना में, वचन पढ़ते समय, उपवास में बात करता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं। वो पाप में, व्यभिचार में अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करते हैं और बार बार गलतियां करते हैं, जिसके कारण वो अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं तो अपने जीवन को पवित्रताई में रख कर परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करें, पवित्र आत्मा के अनुसार चले, तब परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी देह की क्रियाओं को मारकर आपके आत्मा के अनुसार चलूंगा, ताकि मैं आपके नाम को ऊंचा करके आशीषित होने पाऊँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।